पेरू यानी मेरा नाम पेरूमल है, वो पेरूमल से पेरू निकला है। मैं प्रॉपर बेसिकली हम नागपुर से हैं और ऐप डेवलप करने के लिए हमने चंडीगढ़ आया था और चंडीगढ़ से ही इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सर, आज के इवेंट के बारे में बताइए सर, आइए क्या है पेरू ऐप, क्यों शुरू करी आपने चंडीगढ़ में और क्या इसका स्कोप है, कहाँ से आते हैं? जैसे हमारा काम तो हम मेहनत कर ही रहे थे 16-16 घंटे 12-12 घंटे, लेकिन हमारा वहाँ से मेंटेनेंस नहीं निकल रहा है, तो इसी की वजह से मार्केट में हमारा खुद का एक ऐप चाहिए ऐसा हमने सोचा और पेरू कैप्स को हमने चंडीगढ़ में सॉफ्टवेयर टीम है हमारी, तो यहाँ पर हम इस ऐप को डेवलप कर रहे हैं और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका लॉन्चिंग हम कर रहे हैं कि आप कल से हमारे सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, आप ऐप बुक कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके हमारा एंड्रॉयड और iOS दोनों में आपको हैचबैक, सेडान, ऑटो, बाइक सब मिल जाएगी। USP क्या रहेगी सर? USP इसमें ड्राइवरों को 12 इनकम हम दे रहे हैं एज अ कंसल्टेंट बनते हैं तो, और एक कस्टमर भी यहाँ पर 12 इनकम ले सकता है कंसल्टेंट में। ये हमारे लेवल्स हैं, ये जैसे जैसे लेवल्स अचीव करेंगे तो उनको डायरेक्टर बोनस, मेंटेनेंस फंड, एक्सीडेंट फंड, तो ये सब यहाँ से मतलब अभी 1000 गाड़ियाँ हमने टैक्सी में कर लिया है, ऑटो चंडीगढ़ में कर लिया है और ऑटो लगभग एक हफ्ते के अंदर हमारा 500 के आसपास हो जाएगा। तो कस्टमर ये देखता है कैब सस्ती हो जाए और कैंसिलेशन का रेट कम हो और उसे पेनल्टी ना पड़े, ये तीन चीज़ें आपके ऐप में बताइए। ये तीनों चीज़ों में कस्टमर को सर्विस ही हमें बहुत प्रायोरिटी में देना है, तो सस्ती है ही गाड़ी, ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में नहीं है वैसा, और दूसरा कस्टमर को कैशबैक भी आ रहा है और कस्टमर कंसल्टेंट भी बन रहा है, तो यहाँ पे सारे बेनिफिट्स कस्टमर को मिल रहा है। आउटस्टेशन में हमारे पास वन वे भी है, जैसे आपको वन वे चार्ज हमारा शुरू हो जाएगा, अभी दिल्ली हमारा शुरू है और रीजन मतलब जल्दी से जल्द अगर आप हैचबैक गाड़ी लेते हैं चंडीगढ़ से दिल्ली तो आपको 3,500-4,500 में ड्रॉप हो जाएगा ये वन साइड। और वहाँ से पेरू ऐप हो जाएगी दिल्ली से? हाँ, लेकिन आपको प्रायोरिटी में अभी क्या करना है, एक दिन पहले बताना है जैसे आप लैंड कर रहे हैं। हाँ, एक दिन पहले इंस्टेंटली, क्योंकि हमने दिल्ली में ऑपरेशन शुरू नहीं किया है, अभी चंडीगढ़ शुरू है, दिल्ली से वन वे शुरू है हमारा, अभी नागपुर हमारा शुरू होने वाला है, दिल्ली भी शुरू होने वाला है। तो आपने अपने शहर में नहीं किया, आपने पहले चंडीगढ़ चंडीगढ़ में इसलिए किया है क्योंकि ऐप यहाँ से हमारा बना है। पर जो कस्टमर के लिए आपने लाइक कंसर्ट है, हाँ जी, क्या है उनको? देखिए, आज एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सरदर्द है ये मार्केट में और हर कोई यहाँ पर कैसा है इन्वेस्टमेंट मांगता है, तो यहाँ पर बिना इन्वेस्टमेंट किए आप हमारे कंसल्टेंट बनकर जैसे LIC बेचते हैं, आप कोई प्रोडक्ट देते हैं, वैसे आप किसी को हमारा कैब सर्विसेज के बारे में रेफर करते हैं, तो यहाँ पे आप अच्छा इनकम कर सकते हैं, पैकेजेस भी है हमारे पास। सर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पहले से एग्जिस्टिंग बहुत बड़ी कंपनी है, ये थोड़ा रिस्की जॉब नहीं होना? देखिए, ओला उबर का बिजनेस पार्ट अलग है, वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में बिजनेस कर रहा है और हमारा ये जो अपडेट वर्जन में है ये प्लान किसी के पास नहीं है, तो हम ऐसा नहीं मानते कि वो हमारा कॉम्पिटिटर है, उनका काम करने का तरीका अलग है और हमारा काम करने का तरीका अलग है। हमारा जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग में है जो ओला उबर कर नहीं सकती है, और हमारा यूनिक कंसेप्ट MLM मॉडल में हमने ये लाया है जनरेशन प्लान में, तो ये हमारा यूनिक कंसेप्ट है, तो इसकी वजह से उनका अलग है और हमारा रूट अलग है, तो कोई कॉम्पिटिटर हम मानते ही नहीं। बड़े प्राइसेस भी होंगे ड्राइवर के लिए भी होंगे और कस्टमर है उसके लिए भी ऐसा होता है? हाँ, कस्टमर के लिए भी है, यहाँ पर मतलब कस्टमर भी कंसल्टेंट बन सकता है। हाँ, मतलब सालाना जो हमारा खर्चा नहीं निकल रहा है, हम बहुत बार उनके ऑफिस जाते थे बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स को लेके, कोई हमारी सुनता नहीं था, और क्योंकि हमारे वजह से गाड़ियाँ चलती है और हमें कुछ नहीं है, तो जिसके वजह से हम उधारी में जा रहे थे, हमारी गाड़ियाँ सीज हो रही थी और पूरी तरह से करियर बर्बाद हो रहा था, और क्योंकि हमारे पास ऐप नहीं था, पूरे भारत में किसी के पास भी ओला उबर अगर छोड़ते हैं तो कोई प्राइवेट कंपनी भी ओला उबर के सामने आने से डर रही थी, क्योंकि उतना सारा फंड लाना, ये सब मैनेज करना किसी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम इन हाउस टीम तैयार किए हैं, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, घर का पैसा लगा के हमने ऐप डेवलप किया है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर हमने ये किया है कि यहाँ पर हमारा कोई भी कंसल्टेंट बन सकता है,
एक कस्टमर भी कंसल्टेंट बन सकता है, एक ड्राइवर भी कंसल्टेंट बन सकता है। तो ये प्लान मैंने जब जाना, मैंने जब सीखा, तो फिर इस टैक्सी लाइन में हमने नेटवर्क मार्केटिंग को लाया है, जहाँ पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना है, जहाँ पर आपको कुछ रिस्क नहीं है। जो गाड़ी ऑलरेडी मार्केट में है वही मार्केट हम अटैच कर रहे हैं, और जो लोग ऑलरेडी एक्स्ट्रा इनकम के लिए सोच रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम हर कोई चाहता ही चाहता है, तो वो भी हमारे फ्री में कंसल्टेंट बनकर अच्छा इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो ये जब प्लान लेके मैं मार्केट में बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला, तो लोगों को प्लान बहुत पसंद आया। लोग तो का एक ही कहना था कि हर ड्राइवर की यहाँ पे तकदीर बदलेगी, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा क्या, मेहनत हर जगह है, बिना मेहनत के तो हमें मिलता नहीं, लेकिन सही प्लेटफॉर्म हमें आज तक मिला नहीं था। तो ये कंपनी ऐसा विश्वास करती है कि पैन इंडिया ही नहीं, ग्लोबली हम जो हमारी कम्युनिटी है ड्राइवर कम्युनिटी को, कंपनी ही नहीं, हर एक व्यक्ति यहाँ पे अपने सारे सपने एक आम आदमी देखता है तो यहाँ से पूरा कर सकता है। नागपुर में हमने शुरुआत की, वहाँ पर हमारे डेवलपर नहीं था, तो इसीलिए हमने सोचा कि सॉफ्टवेयर जो अभी बन रहा है बेसिक से, तो उसमें तो बस आते रहेंगे, तो बार बार आना जाना तो होगा नहीं, तो हम चंडीगढ़ से ही शुरुआत करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, चंडीगढ़ का लोगों का प्यार मिला, जो ड्राइवर्स मैं कभी जानता नहीं था वो लोग अभी बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। 1000 रजिस्ट्रेशन के आसपास हमने कर चुका है, अभी ऑटो बाइक सब अभी हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ऐप अभी डेवलपिंग के स्टेज पे है, बेसिक जो बुकिंग्स है वहाँ पे आपको गाड़ी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने शुरुआत किया है, कोई भी फंडिंग हमने लिया नहीं है, फैमिली बिजनेस जैसे ही इसको हम कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हम हर एक मिल के अपने सपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि सबको प्लान पसंद आया, इसलिए लोगों का और ड्राइवरों का भी प्यार तेजी से मिल रहा है। इस जर्नी को हमने 15 साल पहले ऐसे ऑटो ड्राइवर शुरुआत किया था, और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारा खुद का ऐप हमने लॉन्च किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं? जो इसमें बेसिक रेट्स वगैरह होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बेसिक हमारा जैसे आपको ओला उबर में मिल रहा है वैसे ही रेट हमारे भी हैं, आपको जो प्राइस कॉम्पिटिटर से मिलेगा वो आपको वही रेट मिनिमम 15 रुपये 16 रुपये जो भी आता है वही से रहेगा। क्योंकि हम कस्टमर को हर राइड के पीछे कैशबैक दे रहे हैं, 5 बेनिफिट है कस्टमर के पास। पहला कैशबैक है हर राइड पर, दूसरा गिफ्ट है, 1000 रुपये का राइड लेता है कस्टमर तो 100 रुपये का राइड फ्री दे रहे हैं हम। तीसरा हमने कोई सर्च प्राइस नहीं रखा है, बारिश हो रहा है हमने रेट बढ़ा दिया, या डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो रेट बढ़ा दिया। हमारा बेसिक जो प्राइस है वो बेसिक ही है, वो हम नहीं बढ़ा रहे हैं। और चौथा, यहाँ पर कस्टमर भी कंसल्टेंट बन सकता है, मतलब एक कस्टमर भी हमारा कंसल्टेंट बन के लाखों रुपए अर्न कर सकता है, जितना बड़ा टीम वो बंदा बनाए। बाइक की जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है वो क्लियर होगी सर? अभी लेटेस्ट दिल्ली का न्यूज़ आया है, केजरीवाल साहब ने, आप लोगों ने भी देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बाइक को उन्होंने परमिट किया है दिल्ली में। चंडीगढ़ में अभी हमने बाइक जो है प्राइवेट नहीं ले रहे हैं। अगर एसटीए के साथ हमारा बात होता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी आप चला सकते हैं, तो फिर हम इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ भी आ सकते हैं। फ्यूल वाली अभी नहीं करोगे आप? फ्यूल नहीं करेंगे हम, अगर फ्यूल भी करते हैं तो पीली पट्टी जो बोलते हैं ना, येलो प्लेट भी करेंगे, प्राइवेट नहीं करेंगे। आपने अपना ऑटो ड्राइवर से कैरियर शुरू किया, कितने साल लगे? अभी 2007 से मैं इस लाइन में हूँ, मतलब बीकॉम मैंने कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि फैमिली इशू की वजह से, तो मैं ऑटो लाइन में चले गया था। ऑटो में भी अच्छा ग्रोथ किया, लेकिन इच्छा थी कि और आगे जाना है तो टैक्सी लाइन में है। तो लगभग 2007 से मैं इस लाइन में हूँ, और अभी 15 साल पूरा कंप्लीट करने में आ रहे हैं। और हमें आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, कोई भी ड्राइवर को आज एक ऐप की आवश्यकता है जो उसका खुद का हो,
ताकि वो अच्छा इनकम भर सके। तो ये ऐप हमारे सभी ड्राइवर्स के लिए हमने बनाया है। अभी 1000 ड्राइवर हमारे पास हो चुके हैं इन ट्राई-सिटी, हैचबैक, सेडान, इनोवा, टैगोर, अदर बसेस, ये सब ऐड हो चुके हैं। और प्रोबेबली एक हफ्ते के अंदर हम 500-600 ऑटो भी कर लेंगे। अलग से क्या बेनिफिट मिल जाएगा 11 एक ड्राइवर अगर नॉर्मली ड्राइवर ही है हमारे साथ तो एक ही इनकम है। अगर ड्राइवर हमारे साथ कंसल्टेंट बनता है तो हम उनको 12 इनकम दे रहे हैं, जिसमें उनके पास मेंटेनेंस फंड, एक्सीडेंट फंड, इंश्योरेंस सब, मतलब हैज अ, मतलब उनका करियर ही बन रहा है यहाँ पर। तो 12 इनकम हैज अ कंसल्टेंट बनने के बाद ड्राइवर यहाँ से ले सकता है। कस्टमर भी कंसल्टेंट बनने के बाद 11 इनकम ले सकता है। किस तरह की कंसल्टेशन रहेगी फॉर द कस्टमर, फॉर द ड्राइवर? जैसे आपने एफिलिएट मार्केटिंग सुना है, हम किसी को रेफर करते हैं, उनको कमीशन आता है, वैसे बस यहाँ पे रेफर करना है। और आप एक बार जिनको रेफर करेंगे, हमारे यहाँ पे एक PCID लगती है, पेरू कैब कंसल्टेंट अकाउंट नंबर, आपने बस एक बार रेफर किया, वो बंदा जब भी राइड लेगा या जब भी ट्रिप करेगा, आपको ऑटोमेटिक कमीशन आपके बैंक अकाउंट में, हमारा दो कमीशन है, एक आके 24 घंटे के अंदर आता है और एक एवरी मंथ 9 तारीख को आएगा, जैसे जैसे टीम बिल्ड करेंगे। 1000 ड्राइवर कह रहे हो, तो लेडीज भी है कोई? एक लेडीज है हमारे पास, हाँ अभी एक हुआ है, ओनली वन, और होप है और आएंगे। हाँ उनका प्रोफेशन अगर है तो प्रेफर करते ही है, और ऑलरेडी वो चलते हैं 4-5 साल से, उनकी भी आईडी लेते हैं। पैसेंजर की सिक्योरिटी का क्या अलग से रखना है? सिक्योरिटी के हिसाब से आप ऐप में ही, हमारे पास एम्बुलेंस का बटन हमने दिया है, कस्टमर केयर का नंबर भी हमने तुरंत दिया है, और आप अपने कोई भी फैमिली मेंबर्स को भी ऐप के थ्रू आप मैसेज तुरंत सेंड कर सकते हैं। और क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये फैमिली बिजनेस है, तो ऊपर वाले की दया से यही है कि ऐसा कुछ हो नहीं, क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस जैसा नया रूप लेने वाला है जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। और नेटवर्क मार्केटिंग जहाँ आता है, जैसा आप लोगों को भी नॉलेज होगा, फैमिली बिजनेस ही बन जाता है, ऐसा कुछ सच होगा नहीं, इतना होप है। इस चीज़ को आप चॉकआउट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कंपलसरी कर दिया है पैनिक बटन कमर्शियल व्हीकल्स, पैनिक बटन, हाँ जी वही ले रहे हैं सारी के सारी सारी STA ने जो जो चीज़ें हमें बताया है लाइसेंस के साथ साथ, उनके सारे रूल फॉर्म फॉलो कर, फिजिकली आप खुद भी चेक कर रहे हो गाड़ियाँ, देख रहे हो उसमें, क्योंकि हमारा एक एक रजिस्ट्रेशन जो है, पैनिक बटन हमने अभी पैनिक बटन आया है, एक महीने पहले ये बात हुई थी, अभी जो भी पैनिक बटन हमारा STA के साथ अभी लाइसेंस लेने के बाद बनेगा, तो पूरा पर्सनली हम चेक करते हैं। हर एक ड्राइवर यहाँ पर आते हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है, वीकली हम मीटिंग करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, तो उसमें हर चीज़ हम कवर करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हम उनको कॉल करते हैं हर बातों के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, सब बातें उधर आती हैं। मैनेजमेंट तो सब इन्हीं का है, सर का ही है, बस कुछ बातें सही लगती है, गलत लगती है, वो डिस्कस करके हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट तो सब सर का ही है। इट इज गोइंग टू बी अ मोर ऑर लेस अ फैमिली बिजनेस।